हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ VLCC का टर्मरिक फेस वॉश का रिव्यू। गाइस, शॉर्ट में फेस वॉश का रिव्यू शेयर करूंगी। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा होगा तो ये मेरे चैनल पर ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। ओके, सो चलो ज्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ VLCC का टर्मरिक एंड बेयर बेरीज फेस वॉश का रिव्यू। गाइस, सो ये जो है ये कॉम्बो मिलता है। VLCC का एक और भी आता है उसके साथ। अगर आप दोनों कॉम्बो में खरीदोगे क्या बोलते हैं अमेजोन से, तो आपको 150 में दो मिल जाता है फेस वॉश, जो 150 ml का है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बट अगर आप सिंगल का, मैं बता रही हूँ सिंगल दाम इसका कितना है, इसका सिंगल प्राइस है 190 rupees। बट मैं तो बोलूँगी कॉम्बो में ही लो। ओके, इसकी सेल्फ लाइफ है 4 years तक। यस, आप इसको 4 years तक यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। 150 ml मैंने क्वांटिटी आपको बता दिया है। इसमें आपको एलोवेरा भी मिल जाता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड टर्मरिक एंड बेयर बेरीज है इसमें। एंड ये भी बता देती हूँ कि ये क्लेम क्या करता है। ये क्लेम करता है कि ये पिंपल को कंट्रोल करता है एंड ये फेयरनेस, स्किन को फेयर बनाता है। तो मैं फेयर के ऊपर तो नहीं जाऊँगी, हाँ, बट अगर आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा तो ना फेस में डर्ट वगैरह होता है, तो अगर आप टर्मरिक वाला फेस वॉश यूज़ करते हो तो धीरे 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 वो आपका फेस जो थोड़ा सा क्लीन करता है। फेयर मैं नहीं बोलूँगी, क्लीन बोलूँगी, क्लीन करता है। ओके, सो ये नो एनिमल टेस्टेड है, 100% वेगन है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेड इन इंडिया भी है, तो मैं भी बात बता देती हूँ आपको। ओके, सो इसमें आपको कैस्टर ऑयल भी मिल जाता है, एलोवेरा जेल मिल जाता है, ब्लू बेयर बेरी एक्सट्रैक्ट भी मिल जाता है एंड बहुत सारी चीज़ है इसमें। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्मरिक रूट एक्सट्रैक्ट। सो मेन तो इसमें टर्मरिक है और बेयर बेरीज है और एलोवेरा इसमें आपको मिल जाता है। सो कौन से स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, कौन से स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ, क्योंकि ये पूरा खाली हो चुका है, आप देख सकते हो। तो नीचे में बस ये थोड़ा सा ही रह गया है, तब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये बेस्ट होगा जिसका पिंपल प्रोन स्किन है, बहुत ही डल और ड्राई वाला स्किन होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल ओवर स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बट सेंसिटिव स्किन वाले थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि एक दो बार अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अवॉइड करें। ओके, बाकी तो मेरे हिसाब से ये ऑल स्किन वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है, मम्मी का स्किन ड्राई है, उनको भी बहुत अच्छे सूट किया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सूट किया। सब कुछ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं है इसमें, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, सो टर्मरिक तो आप जानते ही, हमारे दादी नानी के टाइम से सब यूज़ करते हैं। सो इसका डेमो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। सो ये फेस वॉश बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप है, बट मैं बोलूँगी ऑयली डर्ट ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि इसको क्या फेस पे अप्लाई करने के बाद ना थोड़ा सा वॉश करने में टाइम लगता है, प्रॉपर फेस से नहीं निकलता। इसकी फ्रेग्रेंस टर्मरिक टाइप का है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, फेस को एकदम क्लीन कर देता है, आप देख सकते हो। सो कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। ओके, अगर आपने ट्राई किया तो भी बताना। गाइस, इसका डेमो तो आपने देख ही लिया, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शॉर्ट सा रिव्यू यही था, आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो, अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।